मध्य प्रदेश में असमय बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। इसको लेकर प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अधिकारियों के द्वारा सर्वे शुरू नहीं होने की बात कही और एक बार फिर अहिर रेजिमेंट की स्थापना करने की मांग का समर्थन किया। देखिए, अभी पिछले दिनों जो भारी वर्षा हुई है आंधी और तूफान के कारण और ओलावृष्टि के कारण, बड़े पैमाने पर जो है हमारे मध्य प्रदेश में हमारे किसान साथियों की, हमारे अन्नदाताओं की फसलें खराब हुई हैं। लेकिन आज दिनांक तक सरकार की तरफ से ना तो उनका सर्वे कराने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी हुए हैं और ना ही अभी तक जमीनी स्तर पर कोई अधिकारी या कर्मचारी जो है वहाँ पर किसानों के बीच में पहुँच करके उसकी फसलों का नुकसानी का सर्वे करने का काम जो है अभी तक नहीं शुरू हुआ है। देखिए, ये एक लंबे समय से जो है अहिर रेजिमेंट की स्थापना को लेकर के पूरे देश भर में ये मांग चल रही है और कई बार इसको लेकर के आंदोलन भी हुए हैं और समय समय पर उचित प्लेटफॉर्म्स पे भी ये इस मांग को उठाने का काम किया जा रहा है और जिस प्रकार से पूरे देश में अन्य वर्ग या अन्य समाजों के रेजिमेंट्स हैं, उसी प्रकार से अहिर रेजिमेंट की भी जो मांग है उस मांग को हम लोग पूरी जोर शोर से हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं और सरकार से हम लोग ये आग्रह कर रहे हैं कि ये इस मांग को जो है शीघ्र पूरा करने का काम किया जाए। एक बड़ा